जिस तरह की ये कंडीशंस है वो ज़्यादातर न्यूजीलैंड पे एडवांटेज दे रही है, क्योंकि फास्ट बॉलर बहुत अच्छे दोनों से उम्मीद है अच्छा खेलेगी, पर न्यूजीलैंड ज़्यादा फेवरेट है मेरी। हैं। मुझे लगता है कि इंडिया टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली और पुजारा पुजारा अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। मेरे ख्याल से तो इंडिया स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि इसमें विराट कोहली है, धवन है, रोहित शर्मा है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा आसान होगा क्योंकि न्यूजीलैंड भी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अरसे से अच्छा खेलता हुआ आ रही है, तो ये फाइनल है। मेरे को लगता है इंडिया जीतेगी, इंडिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और जैसे विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, रोहित शर्मा अच्छा बैट्समैन है, शिखर धवन अच्छा बैट्समैन है। विराट कोहली भी प्रेशर लेते हैं? हाँ। अच्छा, कौन ज़्यादा प्रेशर देते हैं उनको, क्रिकेट टीम देती है या अनुष्का शर्मा प्रेशर देती है? अनुष्का शर्मा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम उमेर यूसुफ है। उमेर, आप किस क्लब के लिए खेलते हैं और अभी तक आपने किस टीम के लिए परफॉर्म किया? मैं पाकिस्तान सीसी से खेलता हूँ, जोन 6 का क्लब है, और मैं अभी इस साल डोमेस्टिक सीजन फर्स्ट क्लास खेला हूँ सिंध की तरफ से, और भी मैं पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान 23 में भी मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। जिस तरीके से जून में इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप होने जा रहा है फाइनल, तो क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्टेशन है इंडियन टीम से और न्यूजीलैंड की टीम से, क्या मैच वन साइडेड होगा या मैच टफ होगा? आई थिंक मैच बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे से बढ़कर है, तो आई थिंक इंडिया भी अच्छी है और न्यूजीलैंड भी अच्छी है। ये सिर्फ सिचुएशन जिस तरह की ये कंडीशंस है वो ज़्यादातर न्यूजीलैंड पे एडवांटेज दे रही है, क्योंकि फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके भी बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, उसको टैकल करने में वो करेंगे। और आई थिंक अभी कहना मुश्किल है कि अभी कोई वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप कोई एक टीम को मैं जिताऊँ, लेकिन जो टीम प्रिपरेशन अच्छा करेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो टीम का ज़्यादा चांस है जीतने में। क्या लगता है आपको इंडियन टीम में और न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो एक दूसरे के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं? दोनों कैप्टन मेरे हिसाब से वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन है, दुनिया के सबसे अच्छे लीडिंग है, लीडर है वो, तो आई थिंक विलियमसन भी अपनी टीम को बहुत अच्छा चलाते हैं और विराट कोहली भी, लेकिन आई थिंक दोनों एक मैच बहुत अच्छा होने वाला है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सैयद अफरीदी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने जा रहा है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम जो है ना बाजी ले जाएगी? देखिए दोनों टफ टीमें और फर्स्ट टाइम ऐसे इवेंट होने जा रहे हैं, तो दोनों अनएक्सपीरियंस है इस इवेंट में, तो दोनों अच्छा मुकाबला करेगी और फाइनल भी है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, तो दोनों से उम्मीद है अच्छा खेलेगी, पर न्यूजीलैंड ज़्यादा फेवरेट है मेरी, और न्यूजीलैंड खेलेगी भी अच्छी, वजह यह है कि वो फास्ट पिचेस पे ज़्यादातर खेलती है। कौन से प्लेयर हैं जो एक दूसरे के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं दोनों टीमों में? कोहली हो गया, विलियमसन हो गया, ये दोनों अपनी टीम के स्कीपर और बेहतरीन बैट्समैन भी है वर्ल्ड क्लास के, और दूसरा टेलर हो गया, सरदर्द बन जाते अगली टीम के लिए, तो अगर टेलर खड़ा हो गया तो अगली टीम के लिए तो फिर मसला है, तो इंडिया को पहले टेलर को ही आउट करना सबसे बेहतर होगा, और खड़े हो गए तो फिर सरदार बन जाते हैं, और न्यूजीलैंड के लिए पुजारा वो भी ब्लॉक जैसे साबित हो जाते हैं टीम के लिए। जैफा ये बताएं, जिस तरीके से फाइनल होने जा रहा है टेस्ट फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, क्या कहना चाहेंगे आप, कौन सी टीम जो है ना स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी टीम बाजी ले जाएगी? मुझे लगता है कि दोनों टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, मुकाबला इंशाल्लाह अच्छा होगा और दोनों टीम को टफ टाइम मिलेगा, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह देखने में मज़ा आएगा, और इंग्लैंड कंडीशन होगी तो और मज़ा आएगा। प्लेयर कौन से एक दूसरे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इंडिया टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली और पुजारा पुजारा अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और न्यूजीलैंड में लगता है कि मुझे विलियमसन, टेलर और निकल्स, वो तीनों अच्छे बैट्समैन हैं, वो तीनों अपने जोर दिखाएंगे। दुनिया में पहली दफ़ा तो टेस्ट क्रिकेट होने जा रहा है, क्योंकि ये टेस्ट फाइनल होने जा रहा है, और ये होती टेस्ट क्रिकेट बेस्ट है, असल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है, जो भी ये जीतेगा दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम बन जाएगी। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इंडियन टीम से या न्यूजीलैंड की टीम से, कौन ये टेस्ट चैम्पियनशिप जीतेगा? मेरे ख्याल से तो इंडिया स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि इसमें विराट कोहली है, धवन है, रोहित शर्मा है, और भी काफ़ी प्लेयर हैं। आपको क्या लगता है मैच वन साइडेड रहेगा या मुकाबला टफ हो? मुकाबला टफ होगा, क्योंकि दूसरी साइड में न्यूजीलैंड के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, तो मुकाबला मेरे ख्याल से काफ़ी टफ होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम उमर बिन आमिर। आपका नाम? मैं खुर्रम उमर।
उमेर भाई ये बताएं, टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, कौन सी टीम आपको स्ट्रॉन्ग लगती है और किस टीम का पड़ला भारी होगा? दोनों टीमें अच्छी हैं देखा जाए तो, और न्यूजीलैंड में अच्छे प्लेयर हैं, केन विलियमसन है, रोस टेलर है और ट्रेंट बोल्ट है फास्ट बॉलर, उनका बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और इंडिया की टीम में बैटिंग लाइन उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जो उनके फास्ट बॉलर आए हैं सुराज वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अश्वन है उनका स्पिनर वो भी अच्छा है, तो 50-50 लग रहा है मुझे जी। लेकिन प्रेशर दोनों पे होगा क्योंकि बड़ा है, बड़ा इवेंट है आईसीसी का, पहली दफ़ा करवा रही है आईसीसी, तो इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कौन सा प्लेयर ज़्यादा जो है ना परफॉर्म करेगा इसमें, न्यूजीलैंड की तरफ से, इंडियन की तरफ से, आपको किस प्लेयर से उम्मीद है? मैं न्यूजीलैंड का जो केन विलियमसन है वो मेरा फेवरेट प्लेयर भी है, तो मुझे उनसे काफ़ी उम्मीद है। और इंडिया में जो है रोहित शर्मा वो भी अच्छा प्लेयर है, उससे उम्मीद है। इंग्लैंड में हो रहा है तो वहाँ की पिचें काफ़ी फास्ट हैं, तो फास्ट बॉलर को काफ़ी मदद मिल सकती है। पहला वर्ल्ड टेस्ट फाइनल होगा, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जो है ना प्रेशर इसमें होगा? अमूमन जो है ना टेस्ट मैच लोग जो है ना रिलैक्स होके खेलते हैं, तो प्रेशर का इसमें होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्रेशर लाजमी होगा। दोनों टीम अच्छी टीम है, दोनों के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बुमराह, साउथी, ट्रेंट बोल्ट, शमी, सारे अच्छे बॉलर्स हैं, और बैट्समैन को परेशानी होगी और देखने में मज़ा आएगा, बहुत प्रेशराइज मैच होगा। फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कौन जीतेगी, आप किस टीम को सपोर्ट करोगे और फेवरेट कौन सी टीम? मेरे फेवरेट तो कप्तान विलियमसन है और मैं दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, मगर मेरी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट सीरीज हराई, उसके बाद इंग्लैंड को, पास्ट में उन्होंने काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमों को हराया, तो क्या लगता है उनको न्यूजीलैंड को हराना जो है ना आसान होगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा आसान होगा क्योंकि न्यूजीलैंड भी काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी अर्से से अच्छा खेलता हुआ आ रही है, तो ये फाइनल है, तो फाइनल है तो इंडिया पर काफ़ी प्रेशर होगा। फाइनल का प्रेशर जी, काफ़ी प्रेशर होगा फाइनल का, तो नहीं कह सकते कि इंडिया फेवरेट है। टीम जीतेगी आपके ख्याल में और आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ? वैसे तो दोनों ही टीमें टक्कर की हैं, बराबर की टीमें हैं, पर इंडिया का मुझे लगता है कि ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा। हाँ, हाल ही में उन्होंने दोनों टीमों को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है और इंग्लैंड को भी हराया है। को किस प्लेयर से उम्मीद है, कौन सा प्लेयर जो है ना परफॉर्म करेगा? मुझे तो ये इंडिया के विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दो बैट्समैन मुझे तो वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद है, पर इन्हीं से ही उम्मीद है कि यही कुछ अच्छा करेंगे। अगर आईपीएल होता तो इनके पास आगे के लिए दिन नहीं होते, तो यही टाइम है कि ये इंडिया के लिए कुछ अच्छा करने को। गोल्डन चांस तो नहीं होगा क्योंकि आईपीएल अभी उन्होंने मोतवी करना पड़ा कोविड की वजह से, तो वो थोड़े से इसकी वजह से भी प्रेशर में, मीडिया काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर और दूसरी कंट्री का भी काफ़ी प्रेशर है। मैच तो बड़े टाकरे हो क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया दोनों बड़ी टीम है और इंडिया ही जीतेगी। इंडिया क्या लगता है बैटिंग लाइन की वजह से जीतेगी या बॉलिंग की वजह से जीतेगी? इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, बुमराह, सब के सब अच्छे प्लेयर ना इंडिया के पास, तो वही जीतेगी। हाल ही में भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हरा दिया था, तो प्लस पॉइंट है ना, वो लोग अभी भी काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस में ना। तो कौन सा प्लेयर आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा और न्यूजीलैंड की टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो टफ टाइम दे सकते हैं इंडिया? इंडिया में तो रोहित शर्मा अच्छा, न्यूजीलैंड में टेलर है। टेलर आप इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल जी, मुझे तो लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगी, जिस तरह न्यूजीलैंड की कंडीशन है उस तरह इंग्लैंड की भी है। इंग्लैंड की टीम अक्सर, न्यूजीलैंड की टीम अक्सर वहाँ की कंडीशन से वाकिफ़ है, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और जिस तरह के केन विलियमसन फॉर्म में खेलता है, हेनरी निकल्स हो गया और टेलर हो गया, इनका सीनियर प्लेयर भी, उन्होंने काफ़ी टेस्ट मैचेस खेले, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, और बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट हो गया, फर्गसन हो गया, तो मुझे तो लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाएगी। प्रेशर कौन सी टीम लेती है आपके ख्याल में, न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा प्रेशर लेती है या इंडिया की टीम? क्या फाइनल होने जा रहे, यकीनन प्रेशर होगा, तो जो टीम दूसरी टीम पर प्रेशर डालेगी तो प्लस पॉइंट होगा, उसका पड़ला भारी होगा, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा क्योंकि उन लोगों ने हाल ही में वर्ल्ड कप में भी उन्हें हराया है, जिस तरह की शिकस्त ने भारत को दी है, तो मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी मजबूत है और वो उनकी टीम की खासियत होती है कि वो लोग प्रेशर नहीं लेते और 140-145 का हदफ भी वो लोग अचीव कर सकते हैं, मतलब कि डिफेंड कर सकते हैं, उनके बॉलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को तो लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम इंशाल्लाह जीत जाएगी। आप इंडियन टीम में ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है न्यूजीलैंड के लिए खतरा साबित हो सकता है? जिस तरीके से इंडिया की टीम में अभी पुजारा खेल रहा है और पंट हो गया, जडेजा हो गया, तो विराट कोहली भी, लेकिन अभी वो काफ़ी मेजी से आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरे को लगता है कि ये केएल राहुल लोग खेलेंगे। और न्यूजीलैंड की तरफ से विलियमसन काफ़ी अच्छा खेलेगा क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है, ऐसा मैच नहीं कि वो अच्छा ना खेले,
अगर विलियमसन एक बार भी खड़ा हो गया ना, थोड़ी सी भी टाइम ले ले, फिर बहुत बड़ा मुश्किल इंडिया को उसको आउट करना। बिल्कुल सर दर्द बन जाएगा इंडिया को आउट करना उसको। इंडिया की टीम में मेरे को तो पुजारा लगते हैं, और न्यूजीलैंड की टीम में तो काफ़ी प्लेयर है, टेलर वगैरह, विलियमसन वगैरह, अभी जिस तरह हेनरी हेनरी निकल्स है, मेरे को तो लगता है ये तीन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे खेलेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम अरहान अली। अरहान, ये बताओ टेस्ट फाइनल, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? मेरे को लगता है इंडिया जीतेगी, इंडिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और जैसे विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, रोहित शर्मा अच्छा बैट्समैन है, शिखर धवन अच्छा बैट्समैन है, और इस बार इंडिया अच्छा खेलेगी, पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छा खेला था, पिछली दफ़ा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया थोड़ी और प्रैक्टिस करे तो इंशाल्लाह जीत जाएगी। कौन अच्छा परफॉर्म करेगा टेस्ट में आपके ख्याल में, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, सेंचुरी कौन बनाएगा? विराट कोहली बना सकता है, और टेलर भी बना सकता है, और रोहित शर्मा भी बना सकता है, अभी किसी का कुछ नहीं पता कोई कितने पे आउट हो जाए, और क्या नाम है। अच्छा, आपके ख्याल में इंडिया की टीम ज़्यादा प्रेशर लेती है न्यूजीलैंड की टीम? दोनों की टीम ज़्यादा प्रेशर लेती है, जैसे विराट कोहली ज़्यादा प्रेशर ले लेता है, और विराट कोहली भी प्रेशर लेता है। कौन ज्यादा प्रेशर देते हैं उनको, क्रिकेट टीम देती है या अनुष्का शर्मा प्रेशर देती है? अनुष्का शर्मा, घर के काम करवा करवा के। आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ है? मेरी सपोर्ट न्यूजीलैंड के साथ है। अभी तो आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ अच्छे खेलते हैं, मगर सपोर्ट न्यूजीलैंड को कर रहा हूँ।